Hi student, welcome to RCI Ajuha Bonal Classes. Class 12 AG, subject biology, chapter 3rd. Topic methi, sarson ka, ki moila jo hota hai, uska prabandhan. Prabandhan mein sabse first jo point hai, wo sasya prabandhan. सस्य प्रबंधन के अंदर फर्स्ट पॉइंट इसका सरसों की जो बुआई की जाती है, सरसों की बुआई वो समय से पूर्व करनी चाहिए, जल्दी जल्दी करनी चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि सरसों के ऊपर मोइला या माहू कीट जो होता है वो नवंबर से दिसंबर में दिखाई देता है, नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक में दिखाई देता है। इस समय फसल जो होती है वो अपरिपक्व होती है। अपरिपक्व होने की वजह से कीट जो है इसके ऊपर अपना प्रभाव या प्रकोप ज्यादा दर्शाता है, भोजन के रूप में उसको ज्यादा यहां से, क्योंकि इसको कोमल पार्ट जो होता है उसको ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यदि इसकी बुआई कुछ दिन पहले कर दी जाए तो जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है उस वक्त तक फसल जो है वो विकसित हो जाती है, जिससे उसके ऊपर इस कीट का प्रकोप तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो सरसों की जो बुआई है वो थोड़ा उसको जल्दी करना चाहिए। इसके अलावा प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए, प्रतिरोधी किस्मों का यूज करना चाहिए, जिसमें एजीएच फर्स्ट एक प्रतिरोधी किस्म इसकी एजीएच फर्स्ट है और दूसरी है टाइप 101। ये दो किस्में हैं जिनका हम उपयोग करके सरसों के मोइला कीट से फसल को बचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका आता है जैविक प्रबंधन। सेकेंड जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में मुख्य रूप से प्राकृतिक से शत्रु पाए जाते हैं, प्राकृतिक शत्रु माहू कीट के प्राकृतिक शत्रु जो होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, इनकी संरक्षण प्रदान करना चाहिए, साथ ही प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे कि प्राकृतिक शत्रुओं की जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो प्राकृतिक शत्रु माहू कीट की विभिन्न अवस्थाओं को खाकर नष्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से प्राकृतिक शत्रु हैं जो कि माहू कीट की विभिन्न अवस्थाओं को खाकर नष्ट कर देते हैं, इसमें लेडी बर्ड बीटल ये इसके जो अवस्थाएं हैं उनको खाकर नष्ट करते हैं। इसके साथ में एफिड और लायन इसके प्राकृतिक शत्रु हैं जिनको प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड पॉइंट रासायनिक प्रबंधन में रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर उनका उपयोग करने से कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। इसमें दो प्रकार से, एक डस्ट के रूप में पदार्थ जो है रासायनिक उनका डस्ट के रूप में बुरकाव करते हैं और दूसरा है छिड़काव लिक्विड रूप में। तो फर्स्ट है यहां से मेलाथियन 5% या फिर क्यूनोल्फोस 5%, दोनों में से किसी एक को धूल अवस्था के अंदर डस्ट के रूप में 25 से 20 से 25 केजी
प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए। सेकेंड आता है यहां पर भी, इसके अंदर डाई मिथोएट, डाई मिथोएट और मिथाइल डिमेटोन, मिथाइल डिमेटोन दो है, जिसमें से डाई मिथोएट जो है वो 30 EC होता है और मिथाइल डिमेटोन जो होता है वो 25 EC। इनका उपयोग करते हैं और इन दोनों में से किसी एक का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोलकर इनका छिड़काव करते हैं, जिससे इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से मेथी सरसों का मोइला जो कीट है उसका जो प्रबंधन वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।